हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे सेल्फ टेक्नोलॉजिस्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि आईटी सेक्टर की छोटी सी कंपनी है। और इस कंपनी के रिलेटेड हम टेक्निकली फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर में किस तरह का ग्रोथ रह सकता है और इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से क्या यहां पे पैसा लगाना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सेल्फ टेक्नोलॉजिस्ट की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर कंपनी के बारे में आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहूँगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेल्फ प्रोवाइड ऑफशोर आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और साथ में देखा जाए तो कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के ऊपर भी यह कंपनी काम कर रही है, ई कॉमर्स के ऊपर भी काम कर रही है, वायरलेस मोबाइल सॉल्यूशंस के ऊपर भी यह कंपनी काम कर रही है फ्रेंड्स, एंड वेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी यह कंपनी काम कर रही है। तो बिजनेस, फ्यूचर बिजनेस तो मुझे इस कंपनी के काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं, और जो कि देखा जाए तो कंपनी के पास हाईली कैपेबल टीम भी है जो काम कर रही है फ्रेंड्स। तो इस तरह का इस कंपनी का कारोबार है। और साथ में अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो तकरीबन 46 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम टेक्निकली भी बात करें फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 200 दिनों का जो डीएमए है उसके ऊपर स्टॉक्स कंटिन्यूसली सस्टेन नजर आ रहा है। डीएमए के ऊपर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है, यानी टेक्निकली लिहाज से देखें तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। और यहाँ पे साथ में ये भी मैं आपको बता दूँ कि कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो कंपनी कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रही है, यानी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी होने आ चुकी है। और यहाँ पे अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेल्स में आपको पिछले 5-6 क्वार्टर से सेल्स बढ़ता हुआ नजर आएगा। लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 2.51 करोड़ का सेल्स नज़र आया, यानी आप देख सकते हैं, आप पिछले कई क्वार्टर देख लोगे तो इतना ज़्यादा सेल्स आपको नज़र नहीं आएगा, जो कि लास्ट क्वार्टर में बहुत ही तगड़ा सेल्स रहा था, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर हमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम ईयर वन ईयर बेसिस पर देखें तो लंबी अवधि में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेल्स में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आएगा पिछले 5-6 साल के मुकाबले। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में भी आपको ज़बरदस्त जंप नज़र आएगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 64 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था, जो कि पिछले साल की बात करें तो 33 लाख का नेट प्रॉफिट था। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, पिछले दिनों तो ये कंपनी ने लॉसेस भी किए थे, तो कंपनी कहीं ना कहीं लॉसेस में से प्रॉफिट में आई है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट है वो दुगना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली एंड फंडामेंटली फ्रेंड्स देखे तो ओवरऑल सब कुछ तो मुझे ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं कि यह पेनी स्टॉक्स है और पेनी स्टॉक्स में रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ज़्यादा रहता है, तो आपको अपना भी एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर सलाह लेनी है, उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट्स करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।